जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। वित्त मंत्री जी कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दीजिए, कैसे खत्म होंगी लोगों की दिक्कतें। क्या बजट से पूरी होंगी उम्मीदें। ट्रेन से यात्रीगण की आवाज सुने। बजट से पहले सुनिए सरकार। जनता मांगे मोर। तो बात यही है कि बजट से पहले सुनिए सरकार। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जनता मांगे मोर में, और मैं हूं आपके साथ जब्बार खान। यह तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कई ट्रेनें हैं, जिसमें से एक ट्रेन का नाम काशी विश्वनाथ है। यह ट्रेन सुबह 11 बजे के आसपास चलती है, लेकिन वाराणसी पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। इस ट्रेन से सफर करने वाले आम बजट में क्या चाहते हैं, ये जानने R9 टीवी के संवाददाता अपर्णा दीक्षित काशी विश्वनाथ ट्रेन में सफर करने के लिए पहुंची। क्या नजारा रहा वहां का, आइए आपको लिए चलते हैं। का बजट आने वाला है तो हम आ पहुंचे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हम काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे, वहाँ के यात्रियों से बात करेंगे कि यहाँ पर रेल बजट जो अब पहले अलग आता था वो एक इंक्लूड कर दिया गया रेल बजट को, तो लोगों से पूछेंगे रेल के बजट के बारे में और अपने उनके जो अदर बजट है उसके बारे में कि लोगों को आखिरकार मीडियम क्लास के लोगों को तबके को और अपर क्लास तबके को क्या क्या जरूरत है और वो क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से। आइए हमारे साथ, हम चलते हैं ट्रेन में और यात्रियों से पूछेंगे। ओके, 2020 का बजट आने वाला है, यात्रियों के साथ अभी मैं ट्रेन में मौजूद हूँ। यहाँ पर थर्ड एसी का ये डिब्बा है, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए बताएंगे कि इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं। सर, आप कुछ कह रहे थे, आपको क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, ऐसा है ना, पब्लिक के लिए कुछ ऐसी होना चाहिए जिसके अंदर महंगाई के ऊपर कुछ रोक लग सके, जो उनकी इनकम हो, कुछ रोज़गार के ज़राए बढ़ाए जाएँ, और बजट में यह है कि उनके जो इनकम हो उसके अंदर वो काम कर सकें, अपना खर्च को चला सकें। सरकार को सोचना चाहिए कि रोज़मर्रा की चीज़ों पे उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए, जो महंगाई बढ़ चुकी है इसके लिए सोचना ज़रूरी है। अब बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार के इस बार के बजट से? इस बार के, जैसे मैं बाहर रहता हूँ, मैं दोहा में रहता हूँ कतर में, तो मैं वहाँ देखता हूँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो ये नेशनल कैपिटल है, यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब अभी भी हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, तो उस चीज़ पे इन्वेस्ट होने की ज़रूरत है कि अगर कोई बाहर से आ रहा तो कुछ उसको हाईटेक लगना चाहिए, तो हमको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए और हमको उसको हाईटेक बनाना चाहिए ताकि हमारे बाहर से लोग आए तो देखें और उसको वो करें। नहीं, तो आप किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किस तरीके के बदलाव की बात करें? जैसे आप, मैं ऐसे देखता हूँ कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गंदगी है बाहर, बहुत क्लीन उतना नहीं है, ज़्यादा क्लीन होना चाहिए क्योंकि
ये कैपिटल है, कैपिटल दैट मीन कि वो पूरे देश को रिफ्लेक्ट करती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं तो रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिया की कैपिटल ऐसी है, तो अब अदर पार्ट्स कैसे होंगे। अगर हम इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर अच्छा करें और यहाँ पे सब क्लीन लगाएं, जैसे कि मैं कम से कम 15 साल से रेलवे में ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे सब चीज़ें वैसे ही लगती हैं, मुझे कुछ भी हाईटेक नहीं दिखता है, वही पुरानी ट्रेन वैसे ही, सफाई होती है, कभी सफाई नहीं होती। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं इस डिब्बे में, थर्ड एसी के, मैं इनसे पूछेंगे क्या इस ट्रेन में, इस बजट में अपनी सिक्योरिटी को लेकर कुछ बात करना चाहेंगी, कितना ज़्यादा सिक्योर होता है इनका ट्रेन में रहना, और क्या रात के टाइम आप, मैम आप बताइए, आप क्या रात के टाइम यहाँ पर सफ़र करने में कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, या फिर आप सुरक्षा को लेके कुछ इस बजट से चाहती हैं? जी, अगर देखा जाए महिलाओं की सिक्योरिटी, हमारे सिर्फ इंडियन रेलवेज़ की बात नहीं है, कहीं पे भी देखें आज के टाइम पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप सिर्फ रात की बात कर रहे हो, इवन मैंने दिन में जब ट्रैवल किया है, मेरे साथ एक बार ही ऐसा इंसिडेंट हो चुका है कि दिन में भी मैं बोलूँगी कि ट्रैवलिंग अलोन ये सिक्योर नहीं है। पुलिस वाले होते हैं ट्रेन्स में, बट वो 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद एक चक्कर मार रहे हैं। सो सरकार को अगर बजट में या कहीं पे भी, जब तक आपकी देश का यूथ या आपकी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आप कहीं पे भी पैसा लगा लो, आप कभी डेवलप कर ही नहीं सकते एज अ नेशन। सो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन वुमेन सिक्योरिटी फर्स्ट। किस टाइप का आपको सिक्योरिटी की, मतलब आप अपेक्षा करेंगी सरकार से, बोलेंगी कि हमें इस तरीके की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो वो किस तरीके की होनी चाहिए? जैसे ट्रेन में पुलिस, रेलवे पुलिस जो भी हैं वो होते हैं, बट फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ यहाँ पे जेंट्स का जो पुलिस वाले होते हैं, सिर्फ वो होते हैं, लेडीज़ पुलिस मैंने आज तक कभी नहीं देखी है इसमें। ट्रेन की सफाई को लेके और भी और क्या क्या आपको दिक्कतें हैं ट्रेन में, या फिर आप बाहर जाती हैं टैक्स लैब में, कुछ तो होगा बजट के लेके जो आप और भी चाहेंगे कि ये भी मुझे ज़रूरत है, सरकार इसमें ज़्यादा टैक्स लैब कम करे या ज़्यादा घटाए या फिर बढ़ाए, कोई जो भी? देखिए, टैक्स से तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो 7th पे कमीशन पे बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें लागू होंगी, बट अभी तक ये सिर्फ ऑन पेपर्स है, न्यूज़ में है, हर जगह नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को लेके हमारे देश में दिक्कत है, सरकार को उन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और बजट का कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, बट मैं बजट से कोई वो नहीं हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन है। और भी क्या दिक्कतें हैं आपको? दिक्कत तो सब कुछ देखिए, अब इसमें सारी परेशानियाँ हैं ना, जैसे कह रहे थे ट्रेन 8 से 10 घंटा लेट होती, तो आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, और भी कुछ दिक्कतें हैं आपको इस चीज़ से? तो बहुत को बता, देखिए ट्रेन में जो सर सफाई जो खाना पीना बेचते हैं, वो कौन सा अच्छा खाना पीना बेचते हैं, पैसा देते फूल? क्या दिक्कत आई खाने पीने को लेकर? कोई अच्छा खाना नहीं मिलता है। कैसा मिलता है? सब वो थर्ड क्लास का खाना मिलता है। किस तरीके का थर्ड क्लास का बताएंगे ना, आपके साथ क्या दिक्कत? ना तो उसकी रोटी पक्की मिलेगी, ना दाल मिलेगी, पानी जैसा मिलेगी, आलू की सब्जी खिलाएगा और 120 रुपया ले लेगा, जितना उसके लिस्ट में लिखा हुआ है उतना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। सो सर, आप कुछ कहेंगे, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपने कुछ तो चीज़ें देखी होंगी कि हमें किस चीज़ों में बदलाव करना चाहिए रेल बजट को लेके, पहले जो अलग आता था वो इंक्लूड हो गया है इसको लेके, और भी जो टैक्सेस वगैरह की बातें होती हैं, पहले महिलाओं की भी सुरक्षा को लेके बातें होती हैं, तो आपको इसमें क्या नज़र आती है, कुछ और बदलाव चाहते हैं? मैम, बदलाव की बात करें तो बदलाव तो बहुत हुआ है, अगर 2014 से आज का ले लें तो ट्रेन की सफाई देख लो, हमने तो उसके पहले कभी ट्रेन में साफ सफाई करते हुए किसी को देखा ही नहीं था, आज एक बार या दो बार आते हैं साफ़ करने वाले। आप लेटरिन बाथरूम देख लो, वो भी ट्रेन के साफ़ रहते ही हैं ऑलमोस्ट। खाने का है और बिस्तर भी ये साफ़ रहता है, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट रही बात की, जैसे अभी है कि महिला सिक्योरिटी पे लेके आप पीछे डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा सा और सिक्योर होना चाहिए कि चाहे ऐसे ये कुछ फ़ोन नंबर वगैरह लगा दें कि जैसे कोई आए और दिक्कत हो तो तुरंत कॉल करें, और विद इन सेकेंड जैसे 100 नंबर पे बाहर पुलिस आती है, ऐसे ट्रेन के अंदर भी हो, या कुछ CCTV टाइप का अगर व्यवस्था करें अंदर हर कोचेज में। दूसरी चीज़ है कि जैसे बजट को लेके है, तो बजट में ये रेलवे पे जितना खर्चा करते हैं, जैसे अभी आप देख लो कि जनरल में अब कितनी पब्लिक होती है, और ऑलमोस्ट जब सीज़न होता है दिवाली का या होली का तो टिकट मिलता नहीं है, लंबी लंबे वेटिंग होती है और फिर आदमी जर्नल में मजबूरी में जाना पड़ता है। हमारे साथ एक और यात्री मौजूद हैं यहाँ पर जिन्होंने रेलवे के खाना ऑर्डर किया है, इनसे बात करेंगे रेलवे को खाने को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायतें होती हैं रेलवे का जो खाना होता है वो ठीक नहीं होता है। मैम, आपका क्या कहना है इस खाना, आपने यहीं से ऑर्डर किया है? जी हाँ, यहीं से ऑर्डर किया है। कैसा लगा? ठीक है, मैं 5% में इसको 3% मार्क्स दूंगी। क्या बदलाव
एक्चुअली इसकी ये चपाती सही नहीं है, बहुत टाइट है, बाकी सब कुछ अच्छा है। सर इस बार का बजट आ रहा है, ये बताइए आप 2020 के बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सबसे पहले तो ये आम आदमी के अकॉर्डिंग होना चाहिए बजट, पहली बात, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर कोई बजट आ रहा है स्पेशली तो जो आम आदमी है उनके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। जो बजट पे मेन ध्यान होना चाहिए सरकार का वो ये होना चाहिए कि आम आदमी को कैसे बेनिफिट हम पहुँचाएं इस बजट के थ्रू, यही एक्सपेक्टेशन है मेरी भी। हर बार की तरफ बजट आता है हर साल, इस बार रेल बजट है उसमें इंक्लूड आया था, पिछली बार भी इंक्लूड आया था, सब साथ में बजट आए थे। तो ट्रेन की सुविधा को लेकर अब आपको कैसा लग रहा है, बजट में कुछ तब्दीली होनी चाहिए ट्रेन के बजट में? ट्रेन के बजट में ट्रेन तो चलनी तो होनी चाहिए, यात्री को सुविधा मिलनी चाहिए। कहते हैं मैं तो आपकी रेलवे एम्प्लॉई हूँ, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई हूँ, हमारी ड्यूटी ये कहते हैं एक्स फूड इंस्पेक्टर में कहते हैं रेलवे में पेंट्री का को चेक करना, वाटर कंडीशन को चेक करना, पानी समस्या लेना, सफाई वाले को करना, कॉन्ट्रेक्टर को भी डील करना। तो अब जो बजट के अंदर कुछ बदलाव जरूर आना चाहिए। कहते हैं किस तरीके का बदलाव, किस यात्री को प्रॉपर सुविधा मिलनी चाहिए। कहते हैं क्या सुविधाएँ मिलनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह की है, मीटर क्लीन होनी चाहिए, पानी की सुविधा अभी तक नहीं आई थी। कहते मैं 11:30 जो ट्रेन लगी थी मैं अटेंड करा, लास्ट मोमेंट तक फिलिंग नहीं करी किसी ने भी। कहते हैं भर दे हॉस पाइप से ट्रेन में भरते पानी, किसी ने नहीं भरा है। अब आगे हो तो बात अलग है। क्या हुआ था, पानी नहीं है टॉयलेट के अंदर? टॉयलेट के अंदर पानी नहीं इस टाइम में? हाँ इस टाइम में नहीं था, जब 11:25 तक पानी नहीं था। अच्छा अच्छा जी, तो आपको पानी की दिक्कत है इसमें, मतलब ये सुविधाओं को लेके यह है कि लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते साफ सफाई का भी और पानी का भी, मतलब बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और किराया वसूलते हैं, ये कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। ओके, तो हमारे साथ आप बताइए इस ट्रेन को लेके आपको कैसी रही जर्नी? ठीक है हमें तो सही लग रहा है। यहाँ पर कुछ सुविधाएं चाहती हैं और ज्यादा बढ़ाई जाए दादी? हाँ, जैसे पानी यानी है ये तो आना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। और भी जो सुविधाएं हैं जैसे सफाई होनी चाहिए। सफाई में जैसे मैं टेबल अब ये इसमें तो है इस समय सफाई, लेकिन मैं शताब्दी में बैठती हूँ टेबल वेबल सब गंदी रहती हैं। अच्छा। बिल्कुल मिट्टी लगी रहती है, कई बार मैंने वर्करों से बोला है हाँ कि ये मिट्टी रहती है ये सफाई होनी चाहिए, तो वो सुनी अनसुनी कर देते हैं, मतलब बात नहीं करते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं करके। आप आम बजट को लेके जैसे मीडियम क्लास के लोग हैं, आप मीडियम क्लास के और अपर क्लास के लोगों के लिए या फिर जो गरीब तबका है उसके लिए सरकार से कुछ कहेंगे कि हमें इस तरीके की, आप अपने लिए ही बताइए कि आपको किस तरीके की सुविधा लगती है कि ट्रेन में, जैसे आप ट्रेन में सफ़र अभी कर रहे हो तो रेल बजट पहले तो अलग आता था, अभी एक साथ आ रहा है। तो जी इस जो S1 ये हमारा कोच है इसकी कंडीशन देख रही हैं, हम दो लोग हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है, 3000 कुछ रुपये पे किया है, ये लगता है आपको जो डिस्टेंस है हमारा 359 किलोमीटर का उस बिहाफ पर ये कंडीशन होनी चाहिए इस कंपार्टमेंट की। मुझे लगता है कि जैसे जब मैं एंटर किया, मेरा ये फर्स्ट या सेकंड जर्नी है ट्रेन का, लेकिन जैसे ही मैं एंटर किया तो लग रहा था कि मतलब ये बहुत चीप क्लास का जो है बना रखा है कोच इस तरीके से। मैटर ये नहीं करता कि हमने कौन सी ट्रेन चूज़ करी है, तो ये सब चीज़ें हाँ मतलब तो ये सब चीज़ें अब आप ही देखिए ना। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप देखिए कि ये लग रहा है कि ये हालात इस ट्रेन के जो हैं वो इस तरीके से ऐसे हैं। पहले डब्बे से अब दूसरे डब्बे में आप पहुँचे हैं, यहाँ के लोगों की राय जानेंगे बजट से वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या नहीं, ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं उनमें क्या सुविधाएं मिली हैं क्या नहीं। कुछ लोग और भी बात करेंगे जो ट्रेनें नई ट्रेनें चली हैं और जिन ट्रेनों में सुविधा ज़्यादा है और जो ट्रेनें चल रही हैं उनको लेकर भी बात करेंगे क्या क्या सुविधाएँ हैं इन ट्रेनों से, क्या उनका आना जाना ठीक रह पाता है का सफ़र, आइए बात करेंगे कुछ लोगों से। लेकिन ये है कि ट्रेनें हमको टाइम से मिले और जो सुविधाएं हैं ठीक है उनमें थोड़ा सा सुधार, जैसे कि अभी आप अगर जाकर के टॉयलेट्स वगैरह की स्थिति देख लें, एग्जैक्टली अभी मैं नहीं गया था लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेन में बड़ा इशू जो लोगों का होता है वो यही होता है कि अब ये ट्रेन दिल्ली से चल रही है 11:30 बजे ठीक है, ये बनारस पहुँचेगी सुबह में 4:30 बजे इसका टाइम है, लेकिन अब टाइम से तो पहुँचनी नहीं है, ये तो वेल नोन फैक्ट है कि ये सुबह में 9 बजे से पहले बनारस में पहुंचने वाली नहीं है ट्रेन, मान लीजिए 7 बजे पहुंच जाएगी। इन बिटवीन बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ेंगे उतरेंगे टॉयलेट्स का यूज़ करेंगे, अब इसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी ना कि जिसको बनारस तक है जाना सुबह में उसके यूज़ लायक टॉयलेट
नहीं बसता है। पिछली बार जब 2019-20 का बजट आया था तो महिलाओं के लिए निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार महिला नारायणी का नारा लगाया था कि जो महिलाएं हैं वो नारायणी का रूप होती हैं। इसी के मद्देनज़र उन्होंने 1 लाख तक के लोन को भी फ्री किया था कि लोन ले सकती हैं 1 लाख तक की महिलाएं जो घरेलू गृहिणी महिलाएं होती हैं। इसी पर हम आज हमारे साथ यहाँ ट्रेन में कुछ दो लेडी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ट्रेन में क्या उनको ये सुरक्षा जो मिल रही है वो पर्याप्त है, और भी कुछ बातें हैं जो आपसे बजट को आप क्या चाहती हैं बजट में इस बार के महिलाओं की सुरक्षा को लेके कुछ चाहती हैं या और काम होना चाहिए या ट्रेन में जो आप सफ़र कर रही हैं उस पर कुछ काम होना चाहिए, कुछ है ऐसा? हाँ, वुमेन सेफ्टी के ऊपर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एज सच व्हेन वी ट्रेवल आउटसाइड, हम अकेले होते हैं तो उन्हें थोड़ा और चीज़ें, हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन या फिर कुछ ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए कि अगर हमें कहीं कुछ डर लग रहा है तो हम सीधे रिपोर्ट कर पाएँ, या फिर हम उस डर में उस सफ़र को ना करें कि हाँ कि कुछ हो जाएगा और पता नहीं, अगर कोई भी नहीं है कोच में तो अकेले बैठने से भी कभी कभी डर लगता है, तो कुछ हमारे पास इसका एक उपाय होना चाहिए। देयर शुड बी वन सॉल्यूशन फॉर दैट। इवन कोई एप्लीकेशन हो जहाँ पे भी हम बता सकें डायरेक्ट, लाइक डायरेक्ट वहाँ पे कोई एप्लीकेशन हम डायरेक्ट ट्रिगर कर पाएँ, जैसे कि ओला वगैरह में सेफ्टी इमरजेंसी वगैरह रहता है, हमें वैसा कुछ दें कि जिससे हम थोड़ा सा सेफ हो। तो सर ये बताइए, इस बार का 2020 और 21 बजट आने वाला है, इस बार के बजट से पिछले बजट से आपने जो उम्मीदें रखी थी क्या वो पूरी हुई, सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात, 2020 का जो बजट आने वाला है उसमें सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? नहीं देखिए, पहले के मुकाबले अगर हम बात करेंगे 2014 से पहले के मुकाबले अगर हम बात करें और 2019 और 20 की बात करें, उसी पे आ रहा हूँ, बहुत सारे चेंजेस आए हैं और सरकार ने जो उम्मीदें दिखाई हैं वो उस पर बिल्कुल सक्सेसफुल भी वो हुए हैं, और 2019-20 और 2021 पे भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट पिछले अपने काम के मुकाबले इस बार अच्छे बजट लेकर के आएगी जिससे हमारे सभी लोगों को राहत। आप किस तरीके का बजट चाहते हैं? देखिए, मैं अगर अपने फील्ड की बात करूं तो हेल्थ सेक्टर में आज के डेट में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं लोगों को। आज पहले के मुकाबले जो लोग पैसे की वजह से, पैसे के अभाव में अपने इलाज तक नहीं करा पाते थे, आज हमारी गवर्नमेंट की ये देन है कि एक ऐसा बजट उन्होंने पिछली बार भी दिया, और हम जो इस बार बजट चाहते हैं गवर्नमेंट वही बजट लेकर के आएगी जो इस बार इंडिया की जनता जो चाहती है। अभी तक हमने थर्ड एसी वाले जो लोग बैठे हुए थे उनसे बात करी, उनका आपने मत सुना। अब हम बात करेंगे स्लीपर की, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो ये भी अपनी अपनी राय रखते हैं बजट के बारे में, 2020 के बारे में उनकी क्या राय है ये पूछेंगे। सर, आप 2020 का बजट आ रहा है, आप क्या चाहते हैं सरकार क्या ऐसा बजट लाए जो मध्यम वर्गीय और जो किसान है उसको फायदा हो? बजट तो जो वो लाएंगे अपने हिसाब से ठीक ही ला रहे हैं। जो आप टैक्स का पूछ रहे थे उसका मैं बता रहा था, टैक्स वो सही ले रहे हैं। क्या है कि अगर डायरेक्ट टैक्स लेंगे तो आदमी उतना नहीं भर पाता, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगह से वो टैक्स लेते हैं तो आदमी को इतना पता नहीं चलता। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? आप मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, और वुमेन सिक्योरिटी को भी लेकर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जिसकी 100-200 रुपया की नौकरी, जिसका रिक्शा चला के लाता, कुछ कम कर लाता है, और 150 रुपया पर 500 रुपया का खर्चा हो जाए घर में, कैसे बच्चे पलेंगे? तो इतनी महंगाई नहीं होनी। गवर्नमेंट ने जो है सैलरीड एम्प्लॉयड जो है, जिन लोगों की इनकम 5 लाख से ऊपर है उनको 2.5 लाख रुपये तक की एग्जम्पशन है अभी भी, और जो 10 लाख का स्लेब है वो पिछले, उसमें बदलाव होना चाहिए ना। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से सैलरी के डीए जिस रेशो में बढ़ता है, उसी रेशो में बजट का जो स्लेब्स रेट्स हैं वो उसी रेशो में चेंज होने चाहिए। स्लेब्स और क्या, मिनिमम 4 स्लेब्स होने चाहिए। 10 लाख का जो स्लेब्स है वो पिछले 4 सालों, पिछले 4 मतलब योजनाएं कहें 20 सालों से 10 लाख का ही स्लेब्स है। 30% वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कम से कम 20 लाख का वो स्लेब्स तो मिलना चाहिए 30% वालों को। हाँ, वो यही कह रहे थे कि 2.5 लाख की जो छूट थी वो अभी कम से कम 5 लाख तक तो आम आदमी के लिए फ्री होना चाहिए कम से कम उसमें, और आगे जैसे 1.5 लाख की छूट थी जो और खर्चे वर्चे करता है तो वो थी, उसको भी थोड़ा बढ़ाया जाए या फिर 1.5 लाख ही रखा जाए। कितना चाहते हैं? 1.5 लाख ही रख दें तो बहुत है।
तो आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियों को समझने के लिए, उनको जानने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए R9 TV के संवाददाता ने बनारस तक का सफर किया और ये सारी उम्मीदें जो सरकार से आप मुसाफिर आम लोग लगाए बैठे हैं हमने आपके सामने रखे। मगर एक वक्त था जब रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन साल 2017 से रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया। बावजूद इसके रेल बजट पर सबकी नजरें होती हैं क्योंकि आए दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोग रेल में सफर करते हैं। ऐसे में रेल में सफर करने वालों का सफर हिंदी वाला होता है या फिर अंग्रेजी वाला, ये जानने के लिए R9 TV संवाददाता फराह खान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके बाद क्या कुछ हुआ, यात्रियों ने किस किस्म की उम्मीदें जताई, कितनी नाराजगी दिखाई, क्या है उनको सरकार के इस बजट से उम्मीदें, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की महाबोधि एक्सप्रेस में हैं और यहां से हम यात्रियों से जानेंगे कि उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं और सरकार से क्या अपेक्षा है। तो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है जब आप यात्रा करते हैं? सरकार से अपेक्षा यही है कि गाड़ी एक और होना चाहिए, भीड़ ज्यादा हो जाता है, गाड़ी कम हो जाए होने के कारण जनता को परेशानी ज्यादा उठाना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं कि जब रेल बजट आए किस तरीके का आए और क्या सुधार हो? कभी तो हम लोग जैसे टिकट लेने जाते हैं तो फिर वो बाहर से लेने पड़ता है, टिकट नहीं मिलती, हाल ही बहुत तरह की बात हो जाती है, वहाँ नंबर लगाने पड़ता है, फिर भी दिक्कत होती है और ये बढ़ रही है, रेट भी बढ़ रही है, ज़्यादा बढ़ रही है गरीबी के हिसाब से। तो सरकार से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए। आप जब सफर करते हैं तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरीके के रेट होने चाहिए और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? सब कुछ ठीक है, जो होना चाहिए हो रहा है। सब कुछ ठीक है, जो कुछ ठीक है हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आप इससे सहमत हैं? सहमत है। तो चलिए, अभी तो हमें कुछ यात्री ऐसे मिले जिनका साफ कहना है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और बेहतर होना चाहिए। हम और यात्रियों से बात करेंगे। आप जब सफर करते हैं ट्रेन में तो क्या चाहते हैं, क्या सुधार होना चाहिए, सरकार से क्या अपेक्षा है? सुधार तो कुछ भी नहीं है ट्रेन में। क्या क्या दिक्कतें होती है, सुधार नहीं तो क्या क्या दिक्कतें होती है आपको? दिक्कत तो ये है कि मतलब ये गया से जो चलकर आती है नई दिल्ली के लिए, वहाँ से और एक ट्रेन चलना चाहिए था, एक ट्रेन में इतना फजेहत उठाना पड़ता है कि हद से ज़्यादा। तो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि एक ट्रेन और चलाना चाहिए गया से। दिक्कतें होती है? दिक्कत होते हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? सरकार ये सुविधा करे कि एक ट्रेन और चला दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर को एक साथ जाना पड़ता है। हाँ, किराया भी बढ़ी रहे, दिनों दिनों महंगाई बढ़ी रहे, तनख्वाह बढ़ रही नहीं है मैम, बस किराया बढ़ रहा और सुविधा नहीं मिल रही है। जी, तो आपने देखा है यहाँ कुछ यात्रियों का कहना है कि तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, जो किराया है वो बढ़ता जा रहा है। हम आगे और चलेंगे और यात्रियों से जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जब आप ट्रेन में सफर करते हैं क्या क्या दिक्कत आपके सामने आती है? दिक्कत आपके सामने नजर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? वॉशरूम साफ होते हैं, क्या दिक्कतें होती है और क्या चाहते हो, क्या बेटरमेंट हो? मैम, वॉशरूम भी गंदा होता है और ज़्यादातर पीने का पानी की भी प्रॉब्लम हो जाती है जब ट्रेन लेट होती है। जाहिर सी बात है, इतना खाना भी हम लोग सफ़र में मतलब नहीं लेके चलते हैं तो उसकी भी दिक्कत हो जाती है। अगर ट्रेन लेट हो तो दिक्कत होती है, वरना इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है और कुछ नहीं। जब आप सफ़र करते हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या बेहतर होना चाहिए? बेहतर यही होना चाहिए, पहले तो टॉयलेट साफ नहीं रहता है, ये देखिए सीट का क्या कंडीशन है, अभी कोई तरह का सीट नहीं, कोई कंफर्टेबल नहीं है। और ट्रेन में देखिए जितने सीट है उससे ज़्यादा सवारी इसमें है, उससे ज़्यादा सवारी है, इस पे सरकार को ध्यान देना। तो आपने देखा ज़्यादातर पैसेंजर्स का यही कहना है कि इतनी सीटें नहीं है जितने यहाँ पर यात्री हैं, हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप सफ़र करते हैं तो क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे, क्या दिक्कतें होती हैं? सफर अच्छा से हो, हम लोग टिकट लगाते हैं, एक महीना पहले बनवाते हैं, फिर भी वो नहीं हो पाता, फिर भी भीड़ उसी तरह होता है ना, सामान इतना ज्यादा इसमें हो जाता है कि कोई वो नहीं है इसका।
तो आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ शूट कर रहे हैं तो हमें भी कितने दिक्कतें हो रही हैं, कितने जो पैसेंजर हैं वो गुजर रहे हैं, उनसे निकला नहीं जा रहा है और समस्या कितनी बड़ी है। लोगों का साफ कहना है कि सीटें कम हैं लेकिन उनको ना क्लीन वॉशरूम मिलते हैं, उनकी अपेक्षाएं सरकार से काफ़ी कुछ हैं। इस वक्त हम दूसरी ट्रेन में आ चुके हैं, यहाँ से मैं यात्रियों से जानूंगी कि उनको किस तरीके की दिक्कत होती है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो किस तरीके की दिक्कत होती है और क्या अपेक्षा है सरकार से, क्या बेहतर होना चाहिए? मैडम, महिला को सुरक्षा को लेकर सबसे पहला, दूसरा है बजट के अकॉर्डिंग जो किराया फिरना पड़ा है उसको रहने दिए, स्थिर पे रहने दिए फिलहाल के लिए। आदमी लोग बहुत परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। क्या दिक्कत होती है जब आप ट्रैवल करते हो वॉशरूम को लेकर या कुछ भी? वॉशरूम तो बहुत गंदा रहता है और साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जाए और महिलाओं का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। महिलाएं सुरक्षित होके भी सुरक्षित नहीं है, बस महिलाओं का पूरा विस्तृत जाए आए महिलाएं तो बहुत अच्छे से पूरा ध्यान रखा जाए बस। आप क्या चाहते हैं, क्या बेहतर होना चाहिए? बेहतर तो सबसे मेन है कि आप जो है ट्रैवल का जो टिकट है वो फेयर ना बढ़े और उसी फेयर में फूड इंक्लूडेड हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा है कि फूड पॉइजनिंग होते हैं, बच्चे छोटे जाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं या कुछ भी अगर है तो उनके डस्ट में मतलब उनको 5 दिन बीमार पड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले है कि हाइजीनिक फूड हो ट्रेन में और साफ़ सफाई हो, फीमेल एक अलग रिजर्वे बोगी हो, बहुत सारी सुविधाएं, तो बहुत सारी है सुविधाएं सब। बीच में कहा गया था कि जो फूड के चार्जेस बढ़ रहे हैं तो वो बेहतर करने के लिए फूड को बढ़ रहे हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा? हाँ, फूड तो अभी राजधानी में खाली है या कम सम इसमें है, सारे में है, मतलब फूड इंक्लूडेड होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की दिक्कतें होती है और क्या चाहते हैं? मैं तो पेशेंट को लेके आती हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। एक तो इसकी कूलिंग सही नहीं है, बेड वगैरह जो भी मिलता है वो हमें साफ सफाई नहीं मिलती है, क्योंकि लगता है कि किसी का यूज किया हुआ चीज़ हमें मिलता है। रह गई खाने की सुविधाएं तो खाने में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, जितना हमारी मतलब फीस लगती है टिकट की उस अनुसार हमें सुविधाएं नहीं मिलती है। तो आपने देखा यात्रियों का क्या कहना है कि जिस तरीके का टिकट वो लेते हैं, जितने पैसे उनसे लिए जाते हैं पर उस तरह की सुविधा उन्हें नहीं मिलती है, उन्हें काफ़ी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। उनकी क्या अपेक्षा है सरकार से उन्होंने हमें ये भी बताया। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं फराह खान, R9 TV दिल्ली। तो आपकी मुश्किलें, आपकी उम्मीदें सरकार तक पहुंचाने के लिए R9 TV के संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों पर जाकर के जनता से बात किया, वोटर से बात किया, मुसाफिरों से बात किया कि किस किस्म की उम्मीदें हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन नमस्कार।